सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है हारिस और आप देख रहे हैं खोज डील और आपका स्वागत है हमारे एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, पानी हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हमें सही समय पर पानी मिलने में एक चीज़ बहुत ज़्यादा मदद करती है और उस चीज़ का नाम है वाटर कूलर। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है, टॉप 5 बेस्ट वाटर कूलर इन इंडिया के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। मेन टॉप 5 की बेस्ट की लिस्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा छोटे छोटे जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आप हमेशा याद रखें कोई सा भी वाटर कूलर खरीदने से पहले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप हमेशा याद रखें वो है स्टोरेज का। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो यहाँ पर वाटर कूलर है इसका स्टोरेज की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 10 लीटर का है। अब आप मेरे और इसके कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये होने वाला है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए आइए, इतना बड़ा ये 10 लीटर का ये होने वाला है। और इसमें अलग अलग तरीके के वेरिएंट आते हैं जो हमारी टॉप 5 की बेस्ट की लिस्ट होने वाली है। मैं आपको 10 लीटर वाले ये वाले दिखाऊंगा, 7 लीटर वाले दिखाऊंगा और 5 लीटर भी वाले मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप देखें कि आपको कितने लीटर वाला चाहिए, 10 लीटर वाला चाहिए, 7 लीटर वाला चाहिए, फिर 5 लीटर वाला चाहिए। मैं आपको एक और बार ये दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं मेरे चेहरे से और अंदाज़ा लगा सकते हैं आप देख कर कि ये कितना बड़ा है। तो ये 10 लीटर का यहाँ पर मेरे पास है। तो आप स्टोरेज वाला पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। तो सेकंड नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आप ये देखिएगा कि आपका जो वाटर कूलर है वो हॉट लिक्विड भी स्टोर कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट में कुछ वाटर कूलर्स ऐसे आते हैं जो कि चाय वगैरह और ये सब भी रख लेते हैं जो हॉट लिक्विड होते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा कि अगर आप महंगा थोड़ा सा खरीद रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट जरूर करें कि आप उसको डबल फंक्शन आपको मिले, यानी आपको उसके अंदर हॉट वाटर रखने की सुविधा भी मिले और कोल्ड वाटर तो ऑब्वियसली हर वाटर कूलर रखता ही रखता है। तो आप ये वैसे भी याद रखिएगा, आपको ये वाली फैसिलिटी भी मिले ही मिले। थर्ड नंबर का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मटेरियल का। दो तरीके के मटेरियल ज्यादातर बनाए जाते हैं वाटर कूलर से रिलेटेड ही, एक तो प्लास्टिक का होता है और एक फूड ग्रेड प्लास्टिक का होता है। बेसिकली अगर मैं बात करता हूं, कोई भी अगर वाटर कूलर जो बनाया जाता है वो ज्यादातर फूड ग्रेड प्लास्टिक का ही बनाया जाता है। ये ऐसी प्लास्टिक होती है जो कि फूड फ्रेंडली होती है। प्लास्टिक वैसे भी हमारी बॉडी में अगर उसके छोटे छोटे पार्टिकल जाते हैं तो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। तो इस तरीके के प्लास्टिक को इन्वेंट करा गया जिसका नाम होता है फूड ग्रेड प्लास्टिक, जो कि फूड फ्रेंडली होती है। प्लास्टिक में स्टोर करके खाने के बाद हमारी बॉडी को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचेगा। तो ज्यादातर मैं आपको जितने भी दिखाने वाला हूं मैं आपको साइड बाय साइड बताता चलूंगा कि इसके अंदर आपको प्लास्टिक मिल रहा है या फिर फूड ग्रेड प्लास्टिक मिल रहा है। तो आप अपने हिसाब से जज करिएगा कि आपको उनमें से कौन सा पसंद आएगा। तो फोर्थ नंबर का जो मेन छोटी सी चीज है वो है टैप के टाइप का। टैप का मतलब जो इसका ये नल है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं मेरे पास जो यहां पर है इसको हम घुमाते हैं, ये रोटेटरी टाइप है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे ये रोटेटरी टाइप है। और बेसिकली एक और तरीके का आता है, उसमें आपको प्रेस बटन मिलता है, उसमें आप प्रेस कर कर जो है पानी को निकालते हैं। तो आप देख लिया कुछ किसी किसी लोगों के लिए प्रेस करना थोड़ा सा हार्ड होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आप कभी गलती से ऐसा ना हो कि आप ऑनलाइन खरीदना जा रहे हो और आपने देखा होगा टैप, आपने टैप का नोटिस ही नहीं करा कि आपने जो टैप वो रोटेटरी है या फिर पुश करने वाला है और आपने पुश करने वाला मंगा लिया और आप बाद में पछता है। तो आप ये वैसे भी हमेशा याद रखिए कि आप देख लें कि टैप का टाइप किस तरीके का है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिफ्थ नंबर का जो मेन पॉइंट है वो है इंसुलेशन टाइप का। इंसुलेशन का मतलब ये होता है कि जब हम कोई कुछ भी चीज हॉट या फिर कोल्ड लिक्विड अपने वाटर कूलर के अंदर डालेंगे तो उसमें अंदर की तरफ एक जग होता है। तो इनके लिए जितना मोटा होता है, जिसके मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, तो ये काफी, अगर मैं देखूं, अगर इसका एनालाइज करूं तो इतना मोटा होगा, इतना मोटा ये होगा ही होगा, क्योंकि ये मेरे पास जो है डबल इंसुलेशन का है। इसका मतलब यह है कि काफी देर तक ये किसी भी चीज को ठंडा या फिर गर्म रख सकता है। तो आप ये हमेशा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से कि आपको, या फिर पूछ लीजिएगा जब आप ऑफलाइन भी अगर खरीद रहे हैं कि आपको उसमें सिंगल इंसुलेशन वाली मिल रही है, डबल इंसुलेशन वाली मिल रही है या फिर और ज्यादा ट्रिपल इंसुलेशन वाले मिल रही है। तो जितना ज्यादा टाइप होगा इंसुलेशन का, डबल या फिर ट्रिपल होगा, उतना ही लॉन्ग लास्टिंग आपका जो वाटर कूलर है वो फंक्शन करने वाला है, उतनी ही देर तक वो किसी भी चीज को, किसी भी लिक्विड को हॉट या फिर कोल्ड रखेगा। तो आप ये याद रखिएगा। सिक्स नंबर का जो पॉइंट है वो है क्लोजर का। क्लोजर का मतलब ये होता है कि जो जहां पर, जहां से आप, ये ढक्कन होता है बेसिकली, इसको ही क्लोजर बोलेंगे हम। ये जैसे कि मैं बात करता हूं, आप ये हमेशा चेक कर लीजिएगा कि आप ये क्लोजर, ये एंट्रेंस जहां से आप अपना पानी या फिर इसके अंदर बर्फ वगैरह डालेंगे, ये आपको कितना बड़ा मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। जितना बड़ा ये क्लोजर होगा, आप उतनी बड़ी चीज या फिर उतनी बर्फ की सिल्ली, उतनी बड़ी बर्फ की सिल्ली आप इसके अंदर आसानी से
डाल पाएंगे बेसिकली बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्टेंस नहीं रखती है ये, बट हाँ किसी किसी लोगों के लिए जिन्हें बर्फ़ वगैरह तोड़नी पसंद नहीं होती तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद होगी जो ऐसी, या फिर एक और चीज़ इसके अंदर ये है कि जितना बड़ा ये होगा और जितनी बड़ी सिल्ली आप इसके अंदर डाल पाएंगे उतनी देर में वो बर्फ़ जो है वो पिघल पाएगी और उतना ही लॉन्ग लास्टिंग आपका पानी ठंडा रह सकेगा। तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा देख लीजिएगा आपको ज़्यादातर कितना बड़ा मिल रहा है। मैं जो आने वाले मेरे टॉप 5 की वैसे लिस्ट होगी मैं साइड बाय साइड बताता चलूंगा कि कितना बड़ा आपको मिल रहा है और आप इमेजेस में देखकर भी अंदाजा लगा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे टॉप 5 की बेस्ट की लिस्ट की तरफ। ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे मैंने आपको बता दिए जो कि आपको आज ही नहीं इन फ्यूचर हमेशा याद रखना है कोई सा भी वाटर कूलर अपने लिए खरीदने से पहले। तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम बढ़ते हैं हमारे टॉप 5 की बेस्ट की लिस्ट की तरफ। दोस्तों लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर जो अवेलेबल है वह मिल्टन का कूल स्टैलियन का वाटर कूलर आप मेरे साइड में देख सकते हैं, 860 रुपए में आपको अवेलेबल हो जाएगा और इस प्राइस रेंज में आपको ये 10 लीटर का मिलने वाला है। 10 लीटर का मिलने के बाद अगर बात करता हूँ इसके मटेरियल की तो प्लास्टिक का ये बना हुआ 1.5 किलो तक का इसका वेट होने वाला है, लेकिन खास बात इसके अंदर ये है कि हॉट और कोल्ड लिक्विड दोनों को ये स्टोर कर सकता है। इससे अगर मैं टैप की बात करूं तो आपको घुमाने वाला टैप रोटेटरी कैप इसके अंदर मिलेगा, टैप इसके अंदर मिलेगा और 10 घंटे तक ये आपके जो पानी होने वाला उसको ठंडा रखने वाला है और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन मुझे इसका लगता है। और इसके अंदर जो इंसुलेशन का अगर मैं टाइप की बात करता हूँ तो इसमें काफ़ी थिक इंसुलेशन हुई है, डबल लेयर्ड इंसुलेशन हुई है, तो काफ़ी लंबा ये आपके किसी भी लिक्विड को ठंडा या फिर गर्म रखने वाला है। तो दोस्तों ये भी आपके लिए बहुत अच्छा परचेजिंग ऑप्शन हो सकता है। सेकंड नंबर का मार्केट में अवेलेबल है वो है सेलो कूल ट्रैक का वाटर कूलर आप मेरे साइड में देख सकते हैं। अगर इसके मैं प्राइस की बात करता हूँ तो ये मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगा 1,070 रुपये में आपको ये मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मटेरियल की बात करता हूँ तो फूड ग्रेड प्लास्टिक का इसके अंदर इस्तेमाल हुआ हुआ है। कैपेसिटी की बात करूँ अगर मैं तो 10 लीटर का आपको मिल जाएगा, फूड ग्रेड प्लास्टिक का है, 1,070 रुपये का है, लेकिन फूड ग्रेड प्लास्टिक का और कैपेसिटी भी 10 लीटर की आपको मिल रही है। वेट की बात करता हूँ 1 किलो 300 ग्राम तक का आपको ये पड़ जाएगा। हॉट और कूल लिक्विड दोनों को ही ये स्टोर कर सकता है। रोटेटरी टैप के साथ आपको मिल जाएगा, प्रेस बटन इसके अंदर नहीं है, ये अच्छी बात है। और जैसे आप स्क्रीन पर देखकर नोटिस कर पाएंगे इसमें जो आपको शेप मिलेगी पूरे वाटर कूलर की वो स्क्वायर शेप है। किसी किसी लोगों को जो है वो उठाने में परेशानी होती है, जो सिलेंड्रिकल शेप वाटर कूलर होता है गोल, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, तो इसका जो शेप है जैसे आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं ये स्क्वायर शेप है। आपको अगर स्क्वायर शेप जाना पसंद हो आप ऑफ कर सकते हैं। और इसके अगर मैं स्टैंड बाई की बात करता हूं तो 8 घंटे तक ही आपके जो लिक्विड होने वाला है उसको ठंडा रख पाएगा और काफी बड़ा बिग क्लोजर है इसका, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इसके अंदर भी डबल इंसुलेशन हुई है, डबल लेड इंसुलेशन इसके अंदर हुई है, तो काफी लॉन्ग लास्टिंग अच्छी इसकी वर्किंग होने वाली है। तो दोस्तों ये सेलो भी एक काफी रेप्यूटेड कंपनी है, तो ये भी आपके लिए काफी अच्छा इंप्रेसिव अच्छा ऑप्शन खरीदने के लिए हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी वाटर कूलर मैंने आपको अभी बताया उन सबका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन लिंक्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, सीधा Amazon की वेबसाइट पर। वहां जाकर आप अपने हिसाब से इन सारे वाटर कूलर को देखें और ऐसे जज कर सकते हैं और अपनी मन मुताबिक इन सबको शॉप कर सकते हैं। दोस्तों टिप मैं आपको यहां पर देना चाहता हूं वो ये है कि अगर आप अपने सारे ऑनलाइन ऑर्डर्स पर और थोड़ा सा डिस्काउंट पाना चाहते हैं, कैशबैक जीतना चाहते हैं, रिवॉर्ड्स पाना चाहते हैं, बेसिकली मैं आपको बताऊं तो अगर आप अपना खूब सारा पैसा बचाना चाहते हैं तो आप सीधा khojee.com पर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि वहां हम आपको लेटेस्ट ऑफर्स और कूपन्स प्रोवाइड करते हैं काफी सारे ऑनलाइन स्टोर्स पर और एक्स्ट्रा कैशबैक भी देते हैं आपका खुद का ऑर्डर प्लेस करने पर। मतलब आप अपने सारे ऑनलाइन ऑर्डर्स और इंक्लूडिंग दीज वाटर कूलर्स और भी सस्ते में पड़ सकते हैं अगर आप सीधा का सीधा खोजील के लिंक्स के थ्रू ही अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो थर्ड नंबर पर मार्केट में अवेलेबल है वह मिल्टन का कूल लियो का वाटर कूलर आप मेरे साइड में देख सकते हैं। प्राइस की बात करूं तो आपको अवेलेबल हो जाएगा 620 रुपए में आपको ये मिल जाएगा, प्लास्टिक का बना हुआ है और 5 लीटर का ये है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि 5 लीटर कितना होगा, जितना मैंने आपको दिखाया था उससे आधा वो होने वाला है। बात करता हूं अगर इसके वेट की तो ऑब्वियसली कैपेसिटी कम है, साइज भी छोटा होगा तो वेट भी कम होगा, 950 ग्राम का आपको ये पड़ने वाला है, लेकिन आप इसके अंदर जो है हॉट वाटर को स्टोर नहीं कर सकते। और इसका जो टैप का टाइप है वो भी डिफरेंट है, इसके अंदर आपको प्रेसिंग टैप वाला मिलेगा, जो पानी होने वाला जो लिक्विड होने वाला कुछ भी आप इसके अंदर स्टोर करके रखते हैं तो उसे 6 घंटे तक ठंडा रख पाएगा। काफी थिक इंसुलेशन के साथ आपको मिल जाता है और काफी 5 लीटर का है, लेकिन आप स्क्रीन पर देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं इसका जो ढक्कन है ऊपर का क्लोजर, जैसे कि मैंने आपको पॉइंट्स में बताया था बाइंग गाइड के लास्ट पॉइंट मैंने आपको याद है मुझे मैंने आपको बताया था, तो इसका क्लोजर भी काफी बड़ा होने वाला है। तो ये भी आपके लिए एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है खरीदने के लिए। फोर्थ नंबर मार्केट में अवेलेबल है मिल्टन का कूल मुसाफिर का वाटर कूलर आप मेरे साइड में चेकआउट कर सकते हैं। 660 रुपए से मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा, सीधे सीधे मैं बोलता हूँ, ऊपर नीचे भी हो सकता है। मटेरियल की बात करता हूँ तो फूड ग्रेड प्लास्टिक का इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है, 10 लीटर का आपको ये मिल रहा है तो काफी इंप्रेसिव है। और वेट की बात करता तो 10 लीटर का होने के बाद भी काफी हल्का है, सिर्फ और सिर्फ 400 ग्राम का आपको ये मिल जाएगा, जो कि बिना अगर इसको आप ऐसे उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं, काफी लाइट वेट लेकिन ड्यूरेबल ये होने वाला है।
हॉट प्लस कोल्ड लिक्विड आप इसके अंदर काफी अच्छे तरीके से स्टोर कर सकते हैं। प्रेस बटन प्रेस टैप वाला आपको ये जो है इसका टैप मिल रहा है। 12 घंटे तक का इसका स्टैंड बाय, अगर मैं बोलूँ थोड़ा टेक्निकल हो गए, 12 घंटे तक आप इसको जो आप इसके अंदर रखेंगे वो कूलिंग रहेगी इसके अंदर। 12 आवर कूलिंग सिस्टम के साथ आपको मिल जाता है। डबल इंसुलेशन हुई है, काफी हल्का 400 ग्राम का है बट फिर भी डबल इंसुलेशन हुई है, तो काफी अच्छा मटेरियल उसके अंदर है जो इंसुलेशन के अंदर भी इस्तेमाल करा गया। जो ऊपर का ढक्कन दिया गया है इसका वो थोड़ा सा छोटा है एज कम्पेयर, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इसकी कैपेसिटी की तो खुद में ही ये वाटर कूलर काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी काफी बड़ा क्लोजर है जैसे कि हम स्क्रीन पर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये भी कूल मुसाफिर का वाटर कूलर भी आपके लिए काफी अच्छा परचेजिंग ऑप्शन होने वाला है। दोस्तों लास्टली सबसे अच्छा जो फिफ्थ नंबर मुझको भी लगता है वो है मिल्टन का कूल रोवर का वाटर कूलर, आप मेरे साइड में देख सकते हैं। प्राइस की बात करता हूँ तो ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा आपको सिर्फ और सिर्फ 550 रुपये से आपको ये मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बात करता हूँ मटेरियल की तो फूड ग्रेड प्लास्टिक का इसके अंदर इस्तेमाल हुआ हुआ है। कैपेसिटी की बात करता हूँ तो 7 लीटर का आपको मिलता है, 10 ना 5 उसके बीच में रुक जाता हूँ मैं 7 लीटर पर, तो 7 लीटर का आपको मिल जाता है। इसके वेट की बात करता हूँ तो 1.1 किलोग्राम का आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है, 1100 ग्राम का आपको ये पड़ जाएगा। कोल्ड और हॉट लिक्विड दोनों ही आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। प्रेसिंग बटन टाइप है इसका जैसे कि आप स्क्रीन पर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। 7 से 8 घंटे तक की स्टैंड बाय देता है, उतनी देर तक 7 से 8 घंटे तक ये कूलिंग कर पाएगा। और काफी थिक इंसुलेशन इसके अंदर हुई है जैसे कि आप स्क्रीन पर देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं। काफी बड़ा क्लोजर है ऊपर का, इसके जो ढक्कन है इसके ऊपर का जैसे आप स्क्रीन पर देखकर अंदाजा लगा पाएंगे, इसका जो ऊपर का ढक्कन है उसमें एक स्पेशल चीज हुई है वो ये है कि उस ढक्कन के अंदर एक अंदर पंच होल दिए गए जिसके अंदर आप अपने आइस क्यूब्स को रखकर कहीं पर भी ले जा सकते हैं उसके साथ में अगर आप पिकनिक वगैरह पर जा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा अच्छा एडिशनल फीचर है जो कि काफी इंप्रेस कर सकता है कुछ कुछ लोगों को, मुझे भी किया है और इसका डिजाइन भी काफी कूल है। तो ये भी आपके लिए काफी अच्छा एक परचेसिंग ऑप्शन हो सकता है खरीदने के लिए। तो ये भी हमारी टॉप 5 की बेस्ट की लिस्ट, टॉप 5 बेस्ट वाटर कूलर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बस दोस्तों अगर आप इनके बारे में और अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो खोजगिल की वेबसाइट पर जाकर विजिट करें, वहां जाकर इनके ऊपर लिखे गए ब्लॉग्स और आर्टिकल्स को चेकआउट करें और देखेंगे और इन डिटेल इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन पाने के लिए इन सारे वाटर कूलर का आप जाकर खोजगिल की वेबसाइट पर जा सकते हैं और आर्टिकल्स और ब्लॉग चेकआउट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। बस दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए, जिस जो जो लोग तलाश में वाटर कूलर के अच्छे वाटर कूलर में ये हमने आपको रिकमेंड कर दें ये आप खरीदेंगे तो बढ़िया रहेंगे, खूब शेयर करिए दबा के। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ऐसा कौन सा वाटर कूलर था जो कि हमने मिस कर दिया है और हमारी इस लिस्ट में होना वो डिजर्व करता था लेकिन हम नहीं कर पाए, तो हम बिल्कुल एक नया वीडियो आपको बनाकर देंगे। अगर हमें लगेगा कि वाटर कूलर काफी अच्छा इंप्रेसिव है तो हम दूसरा पार्ट 2 बनाएंगे इस वीडियो का और आपका जो होने वाला है जो आपने सजेस्ट किया है उसको भी इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों एक खास बात यह है कि खोज डील के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे ताकि ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे और आप लोग अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। तो चलिए दोस्तों ऐसी वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे आपसे अगली वीडियोज में।